हेलो दोस्त, एलपी एंड टेक्नीशियन रिजल्ट कैसे बन रहा होगा? क्योंकि सब लोग को पता है रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो मैं यहाँ रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, लेकिन एक्चुअली बनाऊंगा कि कैसे आपका रिजल्ट बन रहा होगा। और सभी ने एक से ज़्यादा विकल्प चुन किया है आरआरबी सिलेक्शन में, तो क्या उनका आरआरबी 2 में जाना पक्का हो गया? तो बहुत लोगों ने बोला था कि 50% से कम जिनके नंबर आए हैं, या 40% से नंबर, या 30% से कम आए हैं, उनका सिलेक्शन निश्चित है क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इस वाले कमेंट को काट देता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका नंबर अच्छा आया है। तो ध्यान दीजिएगा, सबका पक्का नहीं है, लेकिन जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है उनके लिए है ये लास्ट मिनट रिजल्ट से पहले। और लास्ट मिनट इसलिए कर रहे हैं, आपको वेबसाइट पे दिखाएंगे लेके कि देखिए क्या क्या वेबसाइट पे अपडेट हो रहा है, और एएलपी रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। तो टोटल वीडियो में आप देखने से पहले ध्यान दें रिजल्ट कैसे बन रहा है, और एएलपी रिजल्ट एनालिसिस दो ही टॉपिक पे आगे बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। आरआरबी बंगलौर के साइट पे हैं, तो देख सकते हैं ओरिजिनल वेबसाइट ऑफिशियल है। तो रिजल्ट के बारे में हमने अनुमान इसलिए लगाया है कि आप देख सकते हैं एलपी वाला सेक्शन है, जहाँ पे यहाँ पे अभी तक रहता था आपको नोटिफिकेशन के लिए कि आप आरआरबी सिलेक्ट कीजिए लास्ट मिनट प्रिफ्रेंस, वो बटन यहाँ से क्लियर हो चुका है। और जैसे ही क्लियर हुआ है, कोई नया अपडेट होगा तो वो अगला अपडेट होगा रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन। तो ये आपके पास, तो आरआरबी पोस्ट सिलेक्शन की बात हमने जो कर लिया, तो लोगों ने एक से ज़्यादा आरआरबी सिलेक्ट किया है। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट का स्कोर 30 है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, दूसरे कैंडिडेट का स्कोर 33 है और तीसरे कैंडिडेट का स्कोर 35 है, और तीनों ने आरआरबी सिलेक्ट इस प्रकार से किया है कि एक ही आरआरबी में सबसे पहला प्रीफ्रेंस किसी ने एलपी दिया, फर्स्ट कैंडिडेट ने, दूसरा ने पहला ऑप्शन मैकेनिकल दिया, तीसरे ने टेक्नीशियन टीआरएस दिया, और एक चौथा कैंडिडेट है जिसका स्कोर 40 है, वो एसएनटी टेक्नीशियन, यानी कह सकते हैं पीसीएम वाले कैंडिडेट हो सकते हैं, उन्होंने ये सिलेक्शन दिया है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे रेलवे ने पहले ही आपको बता दिया है, टोटल का 15 गुना, हर पोस्ट का 15 गुना लोग सीबीटी 2 में जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं एलपी की कट ऑफ, अगर सीबीटी 1 में एलपी इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ, अगर किसी भी आरआरबी की बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल का, वहाँ पे अगर कट ऑफ जाती है 38, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है। और आपने पीछे देख रखा था, एक स्टूडेंट का नंबर 30 है, दूसरे का 33 है, तीसरे का 35 है और चौथे का 40 है। और ये सब मान लेते कि इन्होंने चारों पोस्ट सेलेक्ट किया है, तब की बात कर रहे हैं, पहले हमने इंडिविजुअल की बात किया था। इन्होंने चार पोस्ट सेलेक्ट कर रखा है, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे आप देखिए 38 होता है, तो इसमें कौन से पोस्ट का सिलेक्शन हो सकता है, किन का हो सकता है, जिनका नंबर 40 था, यानी 40 वाले कैंडिडेट नंबर 4 इंगेज हो जाएंगे इसमें, पहले वाले एलपी वाले में बच गए 3 लोग, अभी भी यहाँ बचे हुए हैं अगर इस सिलेक्शन की तरफ से देखे तो। अगर इसमें आपकी सिलेक्शन जाती है 35 कट ऑफ मिनिमम नंबर, तो कैंडिडेट नंबर 3 यहाँ इंगेज हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर जाती है कट ऑफ 34, तो यहाँ से इस चारों में से कोई नील जाएगा, कोई नहीं आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अगर सिलेक्शन जाता है मिनिमम 33, एग्जाम्पल है, और 33 जाती है तो एक कैंडिडेट नंबर 2 आ जाता है। तो ध्यान दे सकते हैं, अगर इन्होंने जो 30 नंबर जिनका था, वो इतनी भी सिलेक्शन होने के बाद किसी भी पोस्ट में उनका नंबर नहीं आया, तो उस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, इनका एलिमिनेशन तय है, जिनका नंबर 30 है,
लेकिन अगर उन्होंने और 10, 12, 15, 18 पोस्ट सेलेक्ट कर रखा है, 18वें में कटअप अगर कहीं भी 32 जा रही है या 29 जाएगी, 28 जाएगी, लो डाउन जाएगी, वहां इनका सिलेक्शन पॉसिबल है। और अगर सबसे उस आरआरबी में सबसे कम पोस्ट में भी सिलेक्शन अगर 30 नंबर से ऊपर जाता है तो इनका CV2 में सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगली टॉपिक हमारे पास बच गई, यहाँ पे देख सकते हैं कि ईच पोस्ट के 15 गुना ही कैंडिडेट जाएंगे, तो क्या रिजल्ट में ALP और टेक्नीशियन दोनों के लिए अलाउ कर देगा एक कैंडिडेट का? तो उस सवाल को ढूंढते हैं। अभी तक आपने देख लिया कि CBT 1 में हमारा नंबर आ गया, किसी भी कैंडिडेट का नंबर आ गया किसी भी पोस्ट में, तो उनका कैंडिडेटर CBT 2 के लिए अलाउ हो गया। अब यहाँ अलाउ होने के बाद देख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट 1 कह सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और पार्ट 2, और यहाँ पे भी पार्ट A और पार्ट B है, जिन्होंने मल्टीपल चॉइस किया है टेक्नीशियन प्लस ALP। ALP में मैक्सिमम लोग दिए हैं, टेक्नीशियन में भी मैक्सिमम जिनका बन रहा है। अब ALP के बाद आपके पास बनता है साइको टेस्ट, ध्यान से देखिएगा साइको टेस्ट, और साइको टेस्ट में जाएंगे 8 गुना कैंडिडेट, यानी ALP में जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनका 15 गुना जाएंगे, और उसमें से 8 गुना जाएंगे साइको के लिए, और 8 गुना में से 1.5, 1.5 गुना जितनी वैकेंसी है उसके 1.5 गुना जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिसमें से 0.5 आधी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, और आधी कैंडिडेट 100% जो होंगे जितनी वैकेंसी है उनको पहले बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग का। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो इस 0.5% वाले जो आधी कैंडिडेट थे, 0.5 नहीं 50 कह सकते हैं, 50% कैंडिडेट थे, वहां से उनको ज्वाइनिंग के लिए 1 by 1 वेटिंग लिस्ट में बुलाया जाएगा। तो ALP की ये कंडीशन हुई। अब टेक्नीशियन में देखिए, टेक्नीशियन में दिया हुआ है पार्ट A और पार्ट B, यहाँ पे कैंडिडेट है 15, मान लेते हैं एक वैकेंसी पे 15 कैंडिडेट है, इनके बाद डायरेक्ट 1.5 कैंडिडेट को बुलाना है आगे वाले प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिसको DV बोल दें, तो यहाँ बुलाना है। तो कुछ लोगों ने बोला कि जिन्होंने ALP में सिलेक्शन हो चुका है वो टेक्नीशियन में जा सकता है क्या? तो यहाँ पे कंडीशन में आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग कंडीशन है, यानी साइको टेस्ट में जाना तभी पॉसिबल है जब आपने ALP सेलेक्ट किया है और आपका सिलेक्शन ALP के एलिजिबिलिटी के साथ हुआ है। अगर आपने टेक्नीशियन पे आपका सिलेक्शन हुआ है तो टेक्नीशियन में ही आप जा सकते हैं। और एक कंडीशन और यहाँ थी, कुछ लोगों ने बोला कि अगर मेरा टेक्नीशियन सेलेक्ट किया, ALP सेलेक्ट किया, और मान लीजिए कि टेक्नीशियन से किसी का ALP में हो जाता, उस कंडीशन में पूरी वैकेंसी की कंडेंसी रिवर्स हो जाती, यहाँ 15 गुना कैंडिडेट हो सकते हैं, यहाँ पे 20 गुना कैंडिडेट हो जाएंगे, और टेक्नीशियन में जहाँ 15 कई जगह पे थे वहाँ पे 10 गुना या 8 गुना कैंडिडेट हो जाएंगे, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, इसलिए आपका CBT 1 ही डिसाइड। तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी या तो टेक्नीशियन में रहेगी या ALP में रहेगी, कहीं एक जगह आप फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि 15 टाइम के वैकेंसी इसीलिए है। और कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं कि पीछे प्रीवियस एग्जामों में ऐसा नहीं हुआ करता था, तो ध्यान दीजिए प्रीवियस एग्जाम में सिंगल एग्जाम था, 1 स्टेज एग्जाम था, और उसके बाद साइको हुआ करता था, और जो साइको में गया वो ALP ही बनता था, कभी टेक्नीशियन नहीं बना है आज तक मेरे नॉलेज में। अगर आपके नॉलेज में है तो कमेंट में डालिए और उसको लोगों को बताइए कि ऐसा कि कहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिए, आपका CBT 1 ही डिसाइड कर देगा कि आप ALP बनेंगे या टेक्नीशियन बनेंगे। और वो रिजल्ट के बारे में जो मैंने बताया था कि एनालिसिस क्या है, एनालिसिस यही है कि हर कंडीशन में 15 गुना मेंटेन रखना है, हो सकता है 15-17 भी हो या 15 का 14 भी हो, जितनी अगर कैंडिडेट कम होगा उस हिसाब से, या रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होगा, ये रेलवे के पास अधिकार है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा चेंज होने की संभावना नहीं है, और अगर आपका टेक्नीशियन में सिलेक्शन होगा, अगर ये डिक्लियर रेलवे कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।